सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पर मैंने मोटू और पतलू की वीडियो को अपलोड किया और दोस्तों इस वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जहां पर दोस्तों आप लोग मोटू पतलू की वीडियो को रीअपलोड करके यूट्यूब से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग मोटू पतलू कार्टून को रीअपलोड करके यूट्यूब चैनल से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में कि कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं आया वीडियो पे, और अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है तो इजीली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप लोग यूट्यूब से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आप लोगों को मैंने काफी चैनल आइडियाज बताए पर दोस्तों आप लोग कहते हैं कि उस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, पर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हैं और आज आप समझ लेते हैं कि इस वीडियो को किस तरीके से आपको एडिट करना है, एक प्रॉपर वीडियो किस तरीके से तैयार करनी है और YouTube पर किस तरीके से अपलोड करनी है, वो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोटू पतलू कार्टून बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग इस कार्टून को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर एक बार कोई इस वीडियो को ओपन कर लेता है तो लास्ट तक देख कर ही जाता है, आपकी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा कोई भी। तो आप लोग भी अगर इस तरीके का कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको पूरा प्रोसेस यहां से समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको कार्टून कैरेक्टर कहां से लेने हैं, आपको कैसे पूरी वीडियो को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, यहां से हम यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे जैसे ही हम जाएंगे तो दोस्तों यहां से हम लोग सर्च कर लेते हैं मोटू पतलू, ठीक है, मोटू पतलू की जोड़ी। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर। ये तो इनके काफ़ी मतलब ऑफिशियल चैनल है जिसपे ये लोग अपनी ऑफिशियल वीडियोस डालते हैं, आपको ये वीडियोस बिल्कुल भी यहाँ से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चैनल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए इन्होंने 48 वीडियो डाली है, 4000 कुछ सब्सक्राइबर्स भी इनके हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए वीडियोज़ पर चलते हैं, जैसे ही चलेंगे वीडियोस पे तो इनकी पॉपुलर वीडियोस दिखा देती हूँ। देखिए 5 दिन पहले इन्होंने वीडियोस अपलोड किए हैं और यहाँ पे 1.3 लाख व्यूज आए हैं, 4 दिन पहले वीडियो डाली है 1700। आप देखिए नया चैनल है, नए चैनल पे कितनी तेजी से यहाँ पर ग्रोथ मिली है। और अगर आप लोग भी इस तरीके से वीडियोस को बनाना चाहते हैं तो आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो आप लोग भी अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको कार्टून कैरेक्टर कैसे लेने, आपको जाना है यूट्यूब पर सर्च करना है, यहाँ से हम करते हैं मोटू पतलू ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन, तो आपको यही सर्च कर लेना है सिंपली, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस हैं वो आ जाएंगी, पर दोस्तों आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इन वीडियोस को डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको करना क्या है, आपको जाना है 3 डॉट पे, फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रिएटिव कॉमन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई कर देना है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। तो आप लोग देखिए जो वीडियो आपको पसंद हो, जिस कार्टून कैरेक्टर की आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप वो वीडियो यहां से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां से देखिए इनकी काफी वीडियोस यहां पे आ रही हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पे इनकी काफी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी। ये देखिए जो ये डांस वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो हम यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये डांस कर रहे हैं, ये वाले कैरेक्टर आपको चाहिए तो आप कोई से भी कैरेक्टर यहां से यूज कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम एक वीडियो को यहां से डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड आपको खुद करना है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब जब आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अब बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से चलते हैं हम बैक, बैक चलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको मोटू पतलू के वीडियो के लिए बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड आपको कहां से मिलेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर पे। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको यहां पे सर्च करना है इमेज सर्च मैन, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, अगर आप यहां से चाहें तो डायरेक्ट यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहां पर सारा मटेरियल ऑलरेडी डालकर रखा हुआ है, तो आप लोग जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है कार्टून बैकग्राउंड, ठीक है,
कार्टून बैकग्राउंड। तो जैसे ही आप कार्टून बैकग्राउंड यहाँ पे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने देखिए बहुत सारे कार्टून बैकग्राउंड आ जाएंगे इस तरीके से। अब आपको एक गलती यहाँ पर नहीं करनी है कि आप जो भी चाहेंगे वो कार्टून आप यहाँ से ले सकते हैं। जो आपको कार्टून बैकग्राउंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप उनमें से कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉपीराइट फ्री है कौन सा कॉपीराइट फ्री नहीं है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखना है कि यहाँ पर किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा है वॉलपेपर पे। अगर उस पर नाम लिखा है कंपनी का तो अगर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है अच्छी खासी तो आपको कंपनी वाले कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं जिससे आपकी वीडियो आगे रैंक नहीं करेगी और आपकी वीडियो वहीं के वहीं रुक जाएगी। यहाँ पर देखिए इस पे कोई भी यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ जहां पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी कोई नाम नहीं है, जिस पेज पे कोई भी नाम नहीं है कंपनी का आप उसको इजिली कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके की इमेज बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी है। तो आपको जो जो बैकग्राउंड अच्छे लग रहे हैं आप 4-5 बैकग्राउंड अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी में सारे बैकग्राउंड है। आप जो जो चाहें इस तरीके से डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके सारे बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से 4-5 बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आप जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आपको उस पर जाना है। जैसे कि मैं काइनमास्टर का यूज करती हूँ, आप लोग VN यूज करते हैं काइनमास्टर यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काइनमास्टर का यूज करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर काइनमास्टर ही लगता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। जैसे ही काइनमास्टर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे आपको यूट्यूब वाला रेस्टो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके सारा जो आपने वीडियो डाउनलोड की थी, आपने जो वॉलपेपर डाउनलोड किए थे, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे बैकग्राउंड को एक एक करके यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ गया, ये बैकग्राउंड तो हमारा पूरी स्क्रीन में आ रहा है, ये देखिए छोटा आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बीच में एक ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, इसको इस तरीके से थोड़ा जूम कर लीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे, ये वाला बैकग्राउंड भी हमारा पूरा आ रहा है, उसके बाद ये देखिए ये छोटा आ रहा है, तो इस पर बीच वाले पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से जूम कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद ये भी थोड़ा छोटा है तो बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना काम हमने कर लिया, अब हमें किस तरीके से यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर को सेट करना है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे मीडिया पे क्लिक कीजिए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड जो आपने वीडियो की थी आपको वो वीडियो यहाँ पर ले आनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है। अब देखिए इस तरीके से हमारी वीडियो आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को इस तरीके से चलाएंगे, इसमें देखिए म्यूजिक लगा हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिलेगा क्रोमा की का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। अब आप देखिए जैसे हमने क्रोमा की को इनेबल किया, अब हमारा जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट चुका है। अब जैसे यहाँ से हट गया, अब देखिए यहाँ पर हम इतनी वीडियो यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो क्रिएट करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, आप देखिए ऊपर वाले कार्टून है वो ज़्यादा अच्छे देखने में नहीं लग रहे हैं, सिर्फ ये लग रहा है जमीन वाले कार्टून ही अच्छे लगेंगे जिसके पैर जमीन पर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है वीडियो पर और यहाँ पर जाना है क्रॉप पर। जैसे आप क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहां से सिंपली इस वीडियो को क्रॉप कर लेना होगा। आप देखिए हमारे तीनों कैरेक्टर सिर्फ यहां पे बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों कैरेक्टर को यहां पे सेट कर दिया है और ये डांस कर रहे हैं। तो अब आपको मैं प्ले करके दिखाती हूं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये सिंपली यहाँ पे पैर नहीं आ रहा है। अब देखिए अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारा कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको और क्रॉप करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम थोड़ा सा इसको और यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे जो कार्टून कैरेक्टर जो पहले वाले वो बिल्कुल अच्छे से छुप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आते हैं, अब देखिए यहाँ पे इनको डांस कराते हैं इस तरीके से। देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला कैरेक्टर, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, मोटू पतलू को रहने देना है, ठीक, इतना हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको लाना है, इस तरीके से बड़ा करना है और इस तरीके से हमें
इस वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपके जो कैरेक्टर हैं वो आपके बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये देखिए सारे कैरेक्टर आपके आ गए, जो सारे कैरेक्टर थे, और यहाँ से देखिए ये दो कैरेक्टर रह गए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ इतना रखना है तो आप सिर्फ इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे सारे कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इतना ऐसे तरीके से आपको सेट कर देना, अब आपके जो देखिए ऊपर के कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। तो अब हमारी वीडियो यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए ऑडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ से फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे। इसकी आवाज़ थोड़ी सी आपको डाउन कर देनी है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉइस ओवर कर देना है। वॉइस ओवर करेंगे तो ये वीडियो आपकी देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। वॉइस ओवर किस तरीके से करनी है देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम वॉइस ओवर करके दिखाते हैं आपको। मोटू मोटू देखिए बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग देखिए कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। देखो भाई बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, वाह, और नई नई लोकेशन पे हम लोग आके डांस कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं प्ले करके दिखाती हूँ। मोटू मोटू देखिए बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग देखिए कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। देखो भाई बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, वाह, और नई। अब इस तरीके से मैंने इसमें वॉइस ओवर कर दिया। आप लोग चाहें तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख के अपनी अलग तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसकी जो आपका वॉइस ओवर है वो आप स्क्रिप्ट लिख के अच्छे से इसका वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरी लड़की की आवाज़ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा किड का। तो यहाँ पे किड वाले पे हमने क्लिक किया, अब देखिए इसमें किस तरीके से आवाज़ आएगी। अब आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से ये जो एरो का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना, और यहाँ से अपनी वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो सेव एज वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाती हूँ अपलोड करके कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या नहीं आएगा, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाने देते हैं। हमारी वीडियो दोस्तों हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ से YouTube को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम YouTube ओपन करेंगे यहाँ से हमें प्लस वाले आइकन पे जाना है। जैसे हम प्लस वाले आइकन पे जाएंगे आपको अपलोड अ वीडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करेंगे आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी देखिए आपके सामने आ गई है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई टाइटल दे देना है, जैसे कि हम लिख देते हैं मोटू पतलू की जोड़ी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से आप टाइटल दे दीजिए। टाइटल यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे आपको सिंपली यहाँ से अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपकी वीडियो यहाँ से अपलोड होने वाली है। आप देखिए यहाँ से आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। मैं यहाँ से कोई भी कटिंग नहीं करूँगी, कुछ भी कट करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, आपके सामने यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो रही है। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ से अपलोड हो रही है। तो चलिए इसको फास्ट जल्दी से अपलोड कर देते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 83%, 84%, 85% इस तरीके से हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, और बहुत जल्दी ये वीडियो हमारी अपलोड होने वाली है। और मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई कटिंग नहीं की, वहीं की वहीं ये वीडियो हमारी है, ठीक है, मैंने कुछ भी इस वीडियो में नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपकी वीडियो देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है अब देखिए यहाँ से प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपकी, देखिए मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, आपकी वीडियो इजीली यहां से अपलोड हो चुकी है। तो अब दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपको मोटू पतलू की वीडियोस यहां से क्रिएट करनी है, और आप लोग यूट्यूब पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग ऐसा कॉन्टेंट ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने पूरी मेहनत की है, कोई भी हमने सिंपली यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।